खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। गौतम बुद्ध ने कहा, बस मुझे ये दो चीजें दे दो, तुम अकूट धन के मालिक बन जाओगे। पर लड़के ने मना कर दिया। कहानी शुरू होती है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ लंबा सफर तय करके एक सुंदर गांव पहुंचे। तथागत ने कुछ दिन उसी गांव में रुकने का निश्चय किया। गौतम बुद्ध के आने का समाचार गांव में आग की तरह फैला और कुछ ही देर में तथागत के आसपास लोगों का जमावड़ा लग गया। लोग कई तरह की समस्या लेकर वहां आने लगे। तभी एक बुजुर्ग रोते हुए गौतम बुद्ध के पास आए और कहा, हे तथागत, मेरा बेटा कुछ काम नहीं करता, गरीबी और कठिनाइयों के लिए ईश्वर को दिन रात कोसता रहता है। जब मैं समझाता हूँ तो मुझसे ही बहस करने लगता है और घर का माहौल खराब हो जाता है। तथागत, मैं जानता हूँ कि वो अपना नुकसान कर रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं उसे सही रास्ते पर कैसे लाऊं। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बुजुर्ग व्यक्ति से बोले, आप कोई बहाना बनाकर अपने बेटे को मेरे पास ले आइए। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, तथागत, मेरा बेटा किसी की बात नहीं सुनता, सबसे बहस करता है। मुझे डर है कहीं वो आपको भी कोई गलत बात ना कह दे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, तुम बस उससे कहना कि मैं उसकी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। गौतम बुद्ध की बात सुनकर कुछ लोग बुजुर्ग के साथ उसके बेटे को बुलाने चल दिए। दोपहर का समय था, लड़का अपने कमरे में सो रहा था। घर पहुंचते ही सबने जगाया और उसे समझाना शुरू किया, लेकिन लड़का साथ चलने को तैयार नहीं हुआ। वह बस इतनी सी बात दोहराता रहता कि सारे साधु पाखंडी और नकली होते हैं, मैं इनकी बातों में आने वाला नहीं। लेकिन जब गांव वालों ने उसे बताया कि बुद्ध उसकी हर परेशानी का समाधान कर देंगे, तब जाकर वो गौतम बुद्ध से मिलने को राजी हुआ। बुजुर्ग अपने बेटे को लेकर जब गौतम बुद्ध के पास पहुंचे तो लड़का बुद्ध को घूरते हुए बोला, किस बात के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया? अगर आप ये चाहते हो कि मैं ईश्वर को कोसना बंद कर दूं, तो मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, क्योंकि ईश्वर ने मुझे इस बेकार शरीर के अलावा दिया ही क्या है। धन जो शरीर के लिए जरूरी है वो तो मुझे मिला ही नहीं। अगर आप मेरी धन की समस्या खत्म कर सके तो ठीक है, नहीं तो अपना बेरिया बिस्तर समेटिए और आगे बढ़िए। युवा लड़के की बातें सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराने लगे और बोले, मेरे दोस्त, मैं तुमसे ईश्वर की कोई बात नहीं करता, लेकिन याद रखो कि व्यक्ति के सुख और दुख का कारण उसके कर्म ही होते हैं। इसलिए किसी और को कोसने की बजाय अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारा जीवन आसान हो जाएगा। गौतम बुद्ध की बात सुनकर वो लड़का आग बबूला हो गया और कहने लगा, मुझे आपके भाषण से तो नींद आ रही है, इससे तो अच्छा मैं घर में ही सो रहा था। मैं यहाँ सिर्फ धन की मदद के लिए आया हूँ, अगर आप मेरी समस्या हल कर सकते हैं तो कहें, नहीं तो गांव से चले जाएं। तथागत थोड़ी देर शांत रहे, वे समझ रहे थे ये अड़ियल किस्म का व्यक्ति है। गौतम बुद्ध उस नौजवान से बोले, मैं एक राजा को जानता हूँ और तुम्हें उससे धन दिलवा सकता हूँ, जिससे न तुम केवल व्यापार वगैरह कर सको बल्कि इतना धन मिलेगा कि तुम नगर सेठ बन जाओगे, लेकिन बदले में तुम्हें भी उसे कुछ देना होगा। वो लड़का बोला, मैं राजा को क्या दे सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। गौतम बुद्ध ने कहा, राजा का एक पुत्र है जो जन्म से ही नेत्रहीन है। राजवैद्य ने कहा है कि अगर राजकुमार को किसी जीवित व्यक्ति की आंखें मिल जाएं, तब वो ठीक हो सकता है। अगर तुम अपनी दोनों आंखें राजकुमार को दे दो तो राजा तुम्हें सोने से तौल देंगे, फिर तुम अपना जीवन आराम से बिता सकते हो। ये सुनते ही डर के कारण लड़के ने आंखों पर हाथ रख लिए और जोर से कहा, ये आप क्या कह रहे हैं, जीते जी कोई अपनी आंखें कैसे दे सकता है? कोई कितना भी धन क्यों ना दे, मैं अपनी आंखें नहीं दे सकता। गौतम बुद्ध बोले, कोई बात नहीं, दो नहीं तो सिर्फ एक ही आंख दे दो, फिर भी मैं तुम्हें तुम्हारे वजन के बराबर सोने के सिक्के दिलवा दूंगा। वो लड़का फिर झन्ना कर बोला, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे सोने के चाहे जितने सिक्के मिल जाएं, मैं अपनी एक भी आंख नहीं दे सकता, मेरी आंखें अनमोल हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, अगर तुमको और धन चाहिए तो बोलो, राजा मना नहीं करेगा। वो लड़का बोला, मेरी आंखें अमूल्य हैं, कृपया आप ये कहना बंद कर दें, मुझे किसी भी कीमत पर अपनी आंखें नहीं बेचनी। लड़के की बात सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा, मेरे प्यारे दोस्त, अभी कुछ समय पहले ही तुम अपने शरीर को बेकार कह रहे थे, कोस रहे थे, और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारी आंखें अनमोल हैं। आंखें तुम्हारे शरीर का छोटा सा हिस्सा है, अगर तुम्हारी आंखें अनमोल हैं तो तुम्हारा शरीर कैसे बेकार हो सकता है? अगर शरीर तुम्हें अनमोल लगता है तो तुम्हारी बुद्धि की क्या कीमत है?
अगर ये सब अनमोल है तो जीवन शक्ति जो तुम्हें जिंदा रखे हुए है उसकी क्या कीमत है। गौतम बुद्ध के शब्द सुनकर उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए। वो तथागत के चरणों में गिर के रोने लगा, फिर कहा, मैंने बहुत बार कोशिश की लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा, इसलिए मैं इतना हताश और कड़वा हो गया हूँ। गौतम बुद्ध ने लड़के को उठाया और कहा, मेरे दोस्त, इंसान का जन्म बहुत कीमती है। केवल इंसान के पास ही इतना विवेक होता है कि वो सही गलत में अंतर कर सकता है। ताकतवर पशु पक्षियों में भी ये स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए अपने शब्दों की ताकत पहचानो और किस्मत को कोसना बंद करो। जब सिर पर परेशानी आती है तो हम सब नकारात्मक हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमारे पास कितनी सारी बेशकीमती योग्यताएं हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि बनाने और मिटाने दोनों की शक्ति हमारे शब्दों में है। जब शब्द सच्चाई और दया से भरे होते हैं तो वे दुनिया बदल देते हैं। इसलिए गौतम बुद्ध आगे कहते हैं कि अपनी जवान को अच्छे शब्द सिखाओ, अपने मन को अच्छे विचार सिखाओ, आँख कान नाक जवान सबको ट्रेन करो। इंद्रियां बहुत अच्छी दोस्त बन सकती हैं। ये ट्रेनिंग हमको दुखों से पार ले जाएगी। ये ट्रेनिंग कैसे करते हैं? ध्यान से, योग से, प्राणायाम से, विपस्सना से हम अपने मन को, अपनी इंद्रियों को सिखाना शुरू करते हैं। एक ऐसा ही तरीका है जहां आप दो तरह की ब्रीदिंग टेक्निक से लो मोटिवेशन को हाई मोटिवेशन में बदल सकते हो। जब भी आपका काम करने का मन ना करे या जब आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो इन दो टेक्निक्स का प्रयोग कीजिए और अगले वीडियो में देखिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।